नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो किसका दम बोलेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि चाहे वो गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो और या फिर एमसीडी, हर जगह के संकेत साफ है। 1-1-1 पहले तो तीनों को एक एक मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम के साथ ऐतिहासिक जीत गुजरात में दर्ज कर रही है, क्या 2022 की ये पिक्चर दरअसल 24 की ट्रेलर साबित होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 20% वोट शेयर अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में हासिल कर लेती है तो ये कितना बड़ा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। क्या देश भर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर एक, क्या 2024 का मुकाबला मोदी के लिए अब गुजरात के नतीजों के बाद आसान हो जाएगा, क्योंकि गुजरात की जीत को बड़े पैमाने पर मोदी की जीत के साथ बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी। क्या राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अब कांग्रेस की जगह ले रही है, हालांकि याद रखिए हिमाचल प्रदेश में कड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन अपर एज कांग्रेस पार्टी को ही है। क्या दो गठबंधन के दौर में 2024 का मुकाबला त्रिकोणीय होगा, ये भी बहुत दिलचस्प है कि क्या हमने जो गुजरात में लड़ाई देखी वो हम देश के कई हिस्सों में लड़ाई देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या दो गठबंधन के दौर में 24 का ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस पार्टी क्या नंबर दो की पार्टी गुजरात में बन पाएगी या फिर वो जगह उनसे आम आदमी पार्टी ले सकती है, क्योंकि हमने बीते दिन आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों से कुछ दिलचस्प आंकड़े आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि 53 सीटों पर गुजरात में 53 सीट्स पर कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिनमें से 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है गुजरात में बीजेपी के कैंडिडेट को, बाकी सीटों पर कांग्रेस टक्कर दे रही है जीत और हार के इस पूरी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और तमाम आंकड़े आपको दिखाएं, जरा सुना देते हैं जो सियासी तड़का अब इसमें डाला जा रहा है वो बहुत दिलचस्प एक बयान के जरिए, और ये बयान किसी और ने नहीं, जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है। वो क्या कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका को लेकर और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर, पहले सुन लीजिए। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है विपक्ष की एकता असंभव है, ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है, और जो लेते हैं हमसे, देखिए मैं एक बार मैंने कहा था हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप जानते हैं ना पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था, गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में, वो कांग्रेस नाम से, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है और नाम कांग्रेस वो ले रखे हैं और कांग्रेस का नुकसान हुआ है, तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हमें पेटेंट करा लेना चाहिए था कांग्रेस वर्ड का, बहुत सारी पार्टियां हमारे नाम से आई और वो बड़ी हो गई। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं कि कौन किस सीट पर टक्कर दे रहा है, ये अब हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 21 सीटों पर मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी, हालांकि यहां पर किसी भी तरफ जा सकता है। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ एक्सिस माई इंडिया के जुड़ गए हैं, जो लगातार हमारे साथ पोल सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, सीएसडीएस की तरफ से सोशियोलॉजिस्ट हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ संजीव झा, विधायक और नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। लेकिन जिन सीटों पर गुजरात में नजर है, जल्दी से प्रदीप जी, क्योंकि हमने अब वो नंबर्स, वो सारी सीटें निकालनी है, 21 सीटें, 53 सीटों पर कांटे की टक्कर, जिसमें से 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को, इसका क्या अर्थ है जब आप ये बताते हैं कि फाइट कर रही है, नंबर 2 पर रहेगी या फिर नंबर 1 भी जीत भी सकती है? जी,
जब हम कहते हैं कांटे की टक्कर है दो सीटों के ऊपर, तो उसका अनुमान निकलता है जहां पर एक नंबर और दो नंबर पार्टी के बीच में 3% या उससे कम के बीच का अंतर पाया गया हमारे सर्वे के दौरान, एग्जिट पोल के दौरान 3%, यानी 3% से भी कम का फासला है इन दोनों में कैंडिडेट्स में, ये जो 21 सीट हम दिखा रहे हैं जी। और आपका पिछला इतिहास क्या कहता है, जब इस तरह का होता है तो क्या मामला पलटने के आसार होते हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, जो ये जिसको बोलते हैं नैरो मार्जिन के ऊपर बैठी हुई सीटें हैं, वो हवा के साथ साथ उसी तरफ ज्यादा झुकाव होता है उनका, जहां पे कि जिस पार्टी की जो नंबर वन पार्टी जिसकी सरकार बनती है। अगला सवाल आपसे, 15 के आसपास एवरेज आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को सीटें, जो आप 9 से 21 दे रहे हैं, 15 रख लेते हैं बीच का जी। तो अगर इन 21 में मामला पलटता है तो ये 15 प्लस होता जाएगा जितना उनका नंबर है? 15 कम होगा, 15 कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ज्यादा होने की बिल्कुल नहीं है आम आदमी की पार्टी के संदर्भ में। इससे ज्यादा आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुश्किल 15 से ऊपर आप जाते हुए नहीं देख रहे हो ये कांटे की टक्कर सीटें देखने के बाद भी? जी, उसका और एक कारण है कि हमारी जो पोस्ट पोल जो स्टडी है वो चालू रहती है, तो जो कल जहां पे चुनाव हुए एग्जिट पोल तो हमने किया ही है, उसके बाद जिन सीटों के ऊपर मुश्किल का मामला होता है वहां पर हम दोबारा जाते हैं, और जो आज दोबारा गए उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले के तुलना में थोड़ी पीछे ही जाती नजर आ रही है, बनिस्बत इसके के आगे जाती नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब आपका कहना है कि इन सीटों पर आप दोबारा गए और यहां पर आपको वो पीछे हटती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई 15 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं। 20% वोट शेयर, क्या मतलब है इसका? 20% वोट शेयर अपने आप में पहली बारी कह लीजिए प्रैक्टिकली चुनाव लड़ रही है जो पार्टी, और पूरी 182 सीटों के ऊपर से जब वोट शेयर आता है सबसे बड़ी बात यह होती है। अमूमन ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम पार्टी होती है या क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो किसी एक, जैसे कि हम पंजाब की बात कर लें, लोकसभा 14 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 की 4 सीटें मालवा से आई थी। 2017 में जब उनकी 20 सीटें आई थी उसमें से 20 की 20 कह लीजिए 19 सीटें जो है वो मालवा से आई थी, और अब जबकि उन्होंने सरकार बनाई पिछले साल, इस साल चुनाव में पंजाब के अंदर, उसमें से 69 मालवा की सीटों में से 65 सीटें जो है वो मालवा से आई है। उनका दोआबा में प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर नहीं था आम आदमी पार्टी का, लेकिन गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र में जरूर थोड़ा अच्छा कर रही है, और थोड़ा अच्छा साउथ गुजरात जो सूरत के आसपास के इलाके हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। सौराष्ट्र और सूरत के कुछ इलाके, और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाके, दक्षिण और सौराष्ट्र। और कांग्रेस की बात करें ट्रेडिशनली नॉर्थ गुजरात में बहुत स्ट्रांग रही है, साबरकांठा बनासकांठा, और सेंट्रल की बात कर ले जहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं जो कि अहमदाबाद और बड़ौदा के आसपास का एरिया, वहां पर बीजेपी का कोई सानी नहीं है, कोई नहीं है, बहुत बड़ा अंतर, और वही उनको बहुत हर बार ले भी जाता है। पिछले बार लेकिन 21 सीटें तो सिर्फ अहमदाबाद की हैं, 10 हो गई बड़ौदा की, हालांकि सूरत में पिछली बार उन्होंने अच्छा किया था तो 16 सीटें हैं सूरत में। पिछले साल का भी गणित बता देता हूँ कि टोटल 182 में से 55 सीटें राजकोट, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और अहमदाबाद से आती है 55, जिसमें से बीजेपी ने 44 सीटों पे जीत हासिल की थी, लेकिन जो बाकी 127 सीटें बची उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाकी जो सीटें बची थी उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती, ये बल्कि जिले नहीं होते तो बीजेपी पिछली बार और अटक जाती, जो कि 99 पर अटकी थी। खेल और भी इन शहरी इलाकों में अगर अच्छा नहीं करती मध्य गुजरात में तो मुश्किल हो सकती थी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अब जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन लेते हैं। अब अखिलेश जी आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि गौरव भाटिया जी के लिए तो गुजरात से अच्छी खबर है, वो ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही ये प्रश्न खड़ा हो रहा है अभी तक के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। भाई पहले ही आप लोगों से निवेदन है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है, दिल पर मत लीजिएगा, हम लोगों पर मत बरसिएगा, हो सकता है विपरीत भी आए नतीजे, ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है कि अगर यही अनुमान अखिलेश जी 16 से 30 वाले, जिसमें सीट कितना आपका 22 के आसपास आता हुआ दिख रहा है एवरेज निकाले तो जी कांग्रेस का, और आपके इतने करीब आरती हुई दिख रही है सर आम आदमी पार्टी 15, 77 पे थे आप पिछली बार, ये क्या बहुत बड़ा संकेत नहीं है गुजरात जैसे राज्य में जहां पर आपका एक कोर बड़ा सा वोट बैंक हमेशा रहता था, जैसा उन्होंने भी जिक्र किया उत्तरी गुजरात का, वो सब अगर हाथ से फिसलता है और यहीं से एक्स्ट्रापोलेशन बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि दो राज्य में इनकी अपने बलबूते सरकार है, हमारी भी है, 20% हम यहां पर कर रहे हैं, नेशनल पार्टी बन गए,
ऐसे में क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में अब डूब रही है? अंजना जी, हिमाचल और गुजरात दोनों जगह कांग्रेस पार्टी दो तिहाई बहुमत से सत्ता में आएगी। चुनाव शुरू होने के पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, परिणाम आएगा तो फिर आपसे हमारी बात होगी। और जहां तक आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की जमीन क्यों खिसक रही है, कांग्रेस की जमीन नहीं खिसक रही है, कांग्रेस के जमीर भी है। कुछ लोगों के लिए अस्थायी जमीन मिली हुई है जिनके पास बीजेपी वाले हैं, और उनके पास जमीर एकदम नहीं है, लेकिन जमीन भी उनके पास कुछ ही दिनों के लिए है, वो जाने वाले हैं। और आप जो बार बार ये कहते हैं कि अब ये पार्टी रिप्लेस करने वाली है कांग्रेस को, तो ये इतिहास गवाह है। इसी तरह के आप लोग बयान देते थे चैनलों पे कि अब बसपा आ रही है, फिर अब सपा आ रही है, अब तृणमूल आ रही है, उसके पहले असम गण परिषद आ रही है, टीएमसी आ रही है, इसी तरह की कांग्रेस इस देश की जीवंत और शाश्वत पार्टी है और एक विश्वसनीय पार्टी है। उसका अप डाउन लगा रहता है, लेकिन फिर वो आती है। और ये छल कपट से आने वाले लोग अब बहुत दिनों के लिए इस देश की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और जहां तक रही भाई 2024 अंजना जी, 150 नहीं क्रॉस करेंगे मोदी जी उत्तराखंड दिल्ली। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बता दे रहा हूं वो भी, उत्तराखंड दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार बंगाल आसाम महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटक, इन सब जगहों पे मैक्सिमम पे है। और इनके अलायंस भी भाग चुके हैं, और इनके इनको घटना ही घटना है, 100 से ऊपर सीटें यहीं से घट रही हैं, हर कम से कम 100 घट रही हैं। ठीक है, और 9 साल 10 साल बहुत होता है, झूठ बोल के तीसवारा नहीं आ सकते आप, खेल खत्म है। ये जो बताना कि बड़ा अच्छा है 24 का ट्रेलर है, हाँ कहां से पाएंगे, मैंने गिनाया ना, मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे एक सीट की भी कांग्रेस के पास है, राजस्थान में पूरे हैं, इसी तरह से और राज्यों में, बिहार में अलायंस है नहीं, महाराष्ट्र में अलायंस है नहीं, कर्नाटक में डूबी रहे हैं, गुजरात में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे, और इसी हरियाणा में भी अलायंस पार्टनर की कमी हुई है, राजस्थान में भी अलायंस पार्टनर छूट गया। तो ये सारी जो प्रदेश है यहाँ से बीजेपी घटना ही घटना है, मैदाने युद्ध अभी जो दिखा रहे हैं, माफी के आंकड़े दिखा रहे हैं सर, कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और इस बार अगर एग्जिट पोल के अनुमान, ये बार बार बताते हुए ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है, 149 से 77 पर गए। अरे रुका प्रभु, जो है पूरे पूरी की पूरी सीट उनकी है, घटेगी है लोकसभा में पूरी की पूरी, और हमेशा हर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी घटी है गुजरात में, इस बार भी घटेगी, वो भी दिखा देंगे, वो भी ग्राफ उनका भी दिखा देंगे, उनका भी चला देंगे, हर बार घटी। अगर एग्जिट पोल का अनुमान बीजेपी का, अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही होता है गौरव भाटिया जी, तो आप एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अखिलेश जी कि आप लोगों का खेल खत्म हो रहा है, 24 में कोई तीसरी बार आप लोग झूठ के बलबूते नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ वो तमाम राज्य गिना रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि आपका सफाया हो जाएगा। अंजना जी, आपका एग्जिट पोल का सर्वे आया, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं इंगित करना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है आज तक का कॉन्क्लेव है, और कॉन्क्लेव में ये प्रश्न बार बार श्री अमित शाह जी से पूछा गया, और पूछा ये गया कि गुजरात में कैसा रिजल्ट आएगा, और चाहे हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, सबने एक ही बात कही, ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। आप सोचिए 27 साल बाद भी जनता को अगर विश्वास है तो वो मोदी मॉडल पे है, विकास मॉडल पे है, गुजरात मॉडल पे है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कुल मिला के जोड़ भी दे वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी से कम है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, हम लोगों ने विकास की बात करी, अपने कार्य बताए, और ये लोग नरेंद्र मोदी जी को रावण, झूठों का सरदार और क्या क्या गाली दे रहे थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा, आज जिसने दी मोदी जी को गाली, जनता ने कर दी उसकी झोली खाली,
उसकी झोली खाली हो गई। और अब मैं आता हूं जो जयराम रमेश कह रहे थे, पेटेंट की बात कर रहे थे। सोचिए, अगर महात्मा गांधी जी ने सोचा होता कि गांधी नाम का पेटेंट करा लें तो नकली गांधी क्या करते। अरे ये लोग तो हमेशा से इसी तरह का व्यवहार करते हैं, कहीं से कुछ चुराया, कहीं से कुछ चुराया। और एक तरफ हमारी LIC पॉलिसी है, L से लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, अमित शाह जी, I से आइडियोलॉजी, जनता की सेवा करेंगे, जनता सर्वोपरि है, C से काडर, मेहनत कर रहा है। इनकी LIC पॉलिसी क्या है, लीडर चुनाव गुजरात में है, घूम मध्य प्रदेश में रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे तो गुजरात में घूमेंगे। आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी इनके विधायक कह रहे थे दवा खाना मुसलमान एरिया में बनाएंगे, हिंदू एरिया में क्यों बनेगा। और काडर, काडर बेचारा कंफ्यूज्ड है, भारत तोड़ो यात्रा में जाए या गुजरात में प्रचार करे। और इनको तो चिंता ये करनी चाहिए, अभी अभी जो पार्टी आई है वो आपके साथ चुनौती ले रही है सर्वे के अनुसार। मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये लोग नहीं निभा पाए। और क्योंकि आपने शीर्षक दिया, और अंत करूंगा, आपने कहा 22 की पिक्चर और 24 का ट्रेलर, तो मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस पार्टी की पिक्चर बनेगी तो केवल एक ही शीर्षक होगा। एक पिक्चर आई थी मुर्दे की जान खतरे में, मुर्दे की जान खतरे में, जान बची गई है, पीछे पीछे दौड़ रहे सब लोग। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, एक बार ये आंकड़े भी हम लोग बता दें, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे संकेत भी आ रहे हैं। एक सेकेंड अखिलेश जी, एक सेकेंड आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपने वोट शेयर का 60% कांग्रेस से मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मैं सही कह रही हूँ प्रदीप जी, हमारे इस एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं, अखिलेश जी आप उस पर बोल लीजिएगा, संजीव जी इसके बाद आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ये आंकड़ा सबसे बड़ा है, क्योंकि 20% वोट शेयर का अनुमान जो हम बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 60% जो उनको वोट आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वोट है, कांग्रेस से मिलने का अनुमान है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अखिलेश जी, दो लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये हमारे पार्टी के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस के बारे में, इनके पार्टी NDA, नेशनल डिजास्टर अलायंस, इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी, जिसका नाम है NDA, नेशनल डिजास्टर अलायंस। दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट के बल पे आम आदमी पार्टी या BJP, हाँ उसमें नंबर दो है भी आम आदमी पार्टी, मीट एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करके BJP के बाद आती है, लेकिन जमीन पे अभी नहीं आ पाएगी। और आप ही की मान लें तो 20% में यदि 7% कांग्रेस का ले रही है तो 13% तो BJP का जा रहा ना, ये भी 10 double digit नहीं टच कर पाएगी आम आदमी पार्टी। डबल डिजिट नहीं टच कर पाएगी आम आदमी पार्टी। और देखिए अंजना जी, इस देश को जो है ना नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए। रेल ले लो, ट्रेन ले लो, स्टेशन ले लो, जहाज ले लो, हवाई जहाज ले लो, एयरपोर्ट ले लो, सब वो बिजली के तार ले लो, इंडियन ऑयल ले लो, फलाने लो, सब कुछ बेच लो, तो क्या चाहिए? ग्राहक, ग्राहक देवो भव, ग्राहक देवो भव नहीं चाहिए, नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ावे। क्या चाहिए, अगर आपने वोटर की साइकी को समझ लिया, आप ही बताइए क्या चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा तो ये बता रहा है कि BJP से जो वोटर नाराज है वो आप में नहीं जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, यानी उसको भरोसा उधर दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा तो दीजिए, आप ही बताइए। रिजल्ट तो आने दीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए अंजना जी, रिजल्ट तो आने दीजिए। ये तो सर मैंने शुरू में कह दिया था, हम बता रहे हैं, हमारी दोनों जगह सरकार आ रही है, आप तो मान बैठे जिससे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैंने पहले कह दिया था हिमाचल में हम दो क्या बहुमत से जीत रहे हैं, ठीक है, हिमाचल में हम दो क्या बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ, हिमाचल पर भी हम लोगों ने बहस की है, पूरे एक घंटे की है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका मतलब क्या है। 60% वोट्स कांग्रेस से नाराज लोगों का और 25% BJP से नाराज लोगों का जा रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका मतलब ये है, रिटेन और शिफ्ट एनालिसिस इसको कहते हैं, जिसके अंदर पिछले चुनाव में कांग्रेस और अलायंस के साथ 42% कांग्रेस के वोट से, तो जो आम आदमी पार्टी को 20% आज मिलता नजर आ रहा है, उसका 60% मतलब 12 नंबर जो है वो कांग्रेस से आ रहे हैं।
और 25% जो बीजेपी का वोट शेयर था 49 के आसपास, थोड़ी गणना के हिसाब से उसको 50 भी मान लें तो 25% वहां से आ रहा है, तो 5 पॉइंट जो है 12 और 5 17 और 3 जो है वो अदर्स से आ रहा है। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी का 20% आज बना है, जो पिछली बार करीब करीब जीरो पे थी। लेकिन उसका क्या होगा संजीव झा जी, जो लिख के दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि सरकार उनकी बन रही है, यहाँ पर तो 15 से ऊपर किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है प्रदीप जी। अंजना जी, हम लोग भी चुनाव थोड़े साइंटिफिक तरीके से लड़ते हैं और हम लोग भी सर्वे कराते हैं। मुझे लगता है कि ये सर्वे का डेटा बेस हो सकता 2200 का हो, हम लोग 20,000-22,000 के बेसिस पे सर्वे कराते हैं। लेकिन गुजरात में थोड़ा जो हमारा अनुभव रहा है, मान लीजिए हमने ग्राउंड पे सर्वे किया और फिर उस सर्वे को कंफर्म कर लिए, करने के लिए अगर फोन कर दिया तो वही आदमी जो ये कहता कि आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं फोन पे, वो मुकर जाता है। अभी दूसरी बात जो प्रदीप जी कह रहे थे कि अगर हम बाद में सर्वे करते हैं, देखिए बाद में सर्वे इसलिए घट रहा है कि अगर उसने यहां पर देख लिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, जिसने जो वोट भी किया है वो आम आदमी पार्टी को, अब वो मुकर रहा है कि हाँ हमने वोट नहीं किया, तो वो कारण है कि आप जितना डिले सर्वे करते जाएंगे वो आपको आंकड़ा घटता हुआ दिखेगा। तो मुझे देखिए आपके अपने सर्वे हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं। अभी जो रिटेल और शिफ्ट एनालिसिस की बात जो प्रदीप जी कह रहे थे, मैं उस पर आता हूं। अब देखिए सूरत का उदाहरण लेता हूं। सूरत में हमें यह लगता है कि 16 में से हम लोग 8 से 10 सीट पर हम बीजेपी और हमारी डायरेक्ट फाइट है हमारे सर्वे में, और वो जो डायरेक्ट फाइट है मुझे लगता है वो शिफ्ट टोटल बीजेपी के वोट शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के वोट कम है, बीजेपी के वोट ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह से जो आदिवासी बेल्ट है जहां 27 सीट एससी और एसटी आरक्षित सीट है और 32 सीट पर प्रभाव है उनका, वहां पर हमारा ये मानना है कि एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रहा है। सौराष्ट्र के 54 सीट है, सौराष्ट्र में हमें यह लग रहा है कि ज्यादातर सीट पर हम बीजेपी से डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, ये हमारे अपने सर्वे में कर रहे हैं, और हम जब ये बात अरविंद जी कह रहे थे उसी बेसिस पर कह रहे थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो आंकड़े आएंगे तो आंकड़े बदले इसलिए दिखेंगे कि गुजरात में लोग डरते हैं, वो जो वोट करते हैं वो बोलते नहीं है, ये हमारा अपना निजी अनुभव रहा है। क्योंकि अब उनका आतंक है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा जाता था, मारा जाता था, तो सामान्य जनता क्यों बोलेगा, लेकिन सामान्य जनता गुस्से में। तो मुझे लगता है जब 8 तारीख का परिणाम होगा तो मुझे लगता है पूरा सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, क्या ऐसा सेंस आपको आपके भी लोगों को वहां पर हुआ? लेकिन बड़ा सवाल, बीजेपी जो वहां पर अचीव करती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के की वजह से अनुमानों में, उसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद कोई वापसी कर रहा है और ऐसे प्रचंड जनादेश के साथ वापसी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत क्या 24 के लिए नहीं माना जाएगा? संजय जी, बिल्कुल अंजना जी, 24 के लिए तो संदेश है ही है, बिल्कुल बड़ा संकेत है, क्योंकि इस विक्ट्री के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दमखम और बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा होगा और 2024 की लड़ाई में वो और मजबूती से जाएंगे। लेकिन मान लीजिए बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं भी होता तो मुझे नहीं लगता कि 2024 की लड़ाई पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग सकता है, कम से कम मैं तो नहीं लगाता। मुझे लगता है 2024 की लड़ाई किस तरह की होने वाली है, और वो भी वो वैसा ही रेस होने वाला है जिसमें लगभग मैं कह सकता हूँ कि विनर पता है, ऐसा रेस जिसमें हमें मालूम है जीतेगा कौन रेस। अब वो जीतने वाला क्या बहुत तेजी से दौड़ेगा या थोड़ी धीमी गति से दौड़ेगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, इन चुनाव के नतीजों का बड़ा संकेत जरूर है 2024 के लिए। मतलब आप सोचिए कि इतनी सीटें आना, अगर वाकई वो पुराने रिकॉर्ड को कांग्रेस पार्टी के तोड़ रहे हैं वहां पर 179 सीटों का विनोद जी, तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे थे, वो रोड शोज कितने सारे किए उन्होंने, और उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि 24 के पहले इसको सबसे बड़ी विक्ट्री के तौर पर हम प्रोजेक्ट कर पाए, वो गुजरात आज उनके साथ खड़ा दिख रहा है विनोद जी। और एक सवाल और पूछ रही हूँ, जो आम आदमी पार्टी के तमाम दावे हैं, क्या त्रिकोणीय किसी भी तरीके से आप लड़ाई देख रहे हैं? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह से रहेगी तो जैसे गुजरात में आपने 60% कांग्रेस के वोट्स को काटा है, क्या वैसे ही वोट्स वो अन्य जगहों पर भी काट सकते हैं 24 में राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो पहला सवाल है मोदी जी से जुड़ा हुआ, देखिए गुजरात मोदी जी का गृह प्रदेश है और मोदी जी को लेकर गुजरात में एक भावनात्मक लगाव भी है, तो जाहिर है गुजरात का चुनाव होता है 2002 के बाद से वो लगातार मोदी सेंट्रिक चुनाव होता है, उसमें वोट या तो मोदी जी के पक्ष में पड़ता है या मोदी जी के खिलाफ पड़ता है। बीजेपी का मतलब मोदी जी है वहां पर गुजरात में, मोदी जी को माइनस कर दीजिए तो वहां फिर आप किसी आपको 1 से लेकर 10 तक कोई नेता ढूंढने नहीं मिलेगा, तो ये गुजरात का एक सच है। इसलिए गुजरात में जो भी नतीजे आएंगे वो मोदी जी की लोकप्रियता के हिसाब से ही तय होंगे।
इसलिए उन्होंने मेहनत भी सबसे ज्यादा की है, लगातार अपने को फ्रंट पे रखा है, अमित शाह जी ने कैंप किया वहां पर, तो मोदी जी और अमित शाह जी का ही प्रदेश है। जहां तक 24 की बात है, 24 से पहले भी अन्य राज्यों में चुनाव होने, कर्नाटक का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तो ये भी नैरेटिव वहां से भी सेट होगा, वहां के नतीजों से भी। तो गुजरात के नतीजों का असर, आम आदमी पार्टी क्या वोट अलग अलग जगहों पर टेंजिबल परसेंटेज काटेगी? देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप 2019 का देख लीजिए, 2015 में आम आदमी पार्टी स्वीप करती है, 67 सीटें जीतती है, और 2019 में वो 7 सीटें जो होती है लोकसभा में उसमें तीसरे नंबर पर रहती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि वोटर ये देखता है कि केंद्र में बड़ी पार्टी कौन है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा के ये एहसास कराने की कोशिश की कि हम सरकार बना सकते हैं, इसलिए अगर हमारे सर्वे में एक्सेस किया अगर 20% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने वहां अपने को दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या 2024 में आम आदमी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से जो है और कोहिमा तक इतना असर डाल सकती है कि वो कांग्रेस को पीछे करके ये दावा कर दे कि हम केंद्र में सरकार बना रहे हैं, तब वो कांग्रेस की वोट काट सकती है। इसलिए हाँ, जहां जहां फिर रीजनल पार्टियां हैं, कहीं कहीं जो है नीतीश कुमार लालू प्रसाद है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी पूरा ट्राई कर लिया, लालू प्रसाद यादव ने भी कर लिया, मुलायम सिंह यादव ने कर लिया जब वो जीवित थे, मायावती ने कर लिया, दूसरे राज्यों में वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक स्थानीय पार्टी है, एक राज्य की पार्टी जो धीरे धीरे उसका करैक्टर नेशनल है, उसका प्रभाव रीजनल था पहले, तो यही मैं कह रही हूं, पार्टियां रीजनल ऐसी पार्टियां नहीं कर पाई, उसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि वो फैल नहीं पाई दूसरे राज्यों में, उनका करैक्टर रीजनल था, सबने की उनका करैक्टर ही रीजनल था, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी के शुरू से जन्म से ही वो नेशनल करेक्टर की पार्टी बनने की कोशिश करती रही है। दिल्ली तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, यहां तो ट्रेन पकड़नी है, इसी से जुड़ा हुआ है वो सवाल। संजय जी, ये जो क्रेडिट है आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि इसे नकारा जा सकता है। आप देखिए 10 साल के अंदर एक पार्टी दिल्ली में बड़ी बहुमत से सरकार बनाती है, पंजाब में सरकार बनाती है, और अन्य राज्यों में वो कोशिश कर रही है। अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा में भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन हमें मालूम है उन्हें साइजेबल परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले थे, और गुजरात में कमोबेश सारे एग्जिट पोल ये अनुमान लगा रहे हैं कि प्रदर्शन जैसा भी हो लेकिन तकरीबन कोई 8-10% वोट तो उन्हें मिल रहे हैं। सारे एग्जिट पोल के अनुमान से हम ये निष्कर्ष पे तो पहुंच सकते हैं। तो आप अंजना जी देखिए, एक पार्टी 10 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बनती है, और नेशनल पार्टी सिर्फ नोशनल नहीं, नेशनल और नोशनल में हमें समझना चाहिए, नेशनल पार्टी और भी है, एनसीपी भी नेशनल पार्टी है, बीएसपी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन वो नेशनल पार्टी नोशनल नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी नोशनल नहीं है, 2 राज्यों में सरकार है, और अगर गुजरात में उन्हें 8-10 सीटें आती हैं तो विपक्ष की भूमिका में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है अपने फुटप्रिंट्स बड़े मजबूती से। आप 8-10 दे रहे हैं, मैं इनका तो एक्सेस माइ इंडिया का है, आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि आप डबल डिजिट पहुंचना मुश्किल है आपके अनुमान के मुताबिक? मुझे लगता है अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अपने अनुमान से 20% मेरे लिए बहुत ऊंचा अनुमान लगता है। मेरा अपना अनुमान है लगभग ये कोई 12-14% के लगभग इन्हें वोट मिलेंगे, और सीटें इनकी सिंगल डिजिट में होंगी, शायद 6-8 इनकी सीटें रहें, इससे ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। चलिए एक इम्तिहान आप दोनों का भी होगा 8 को जब नतीजे आएंगे उसके। गौरव भाटिया जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद बोल लीजिए 2 लाइन जल्दी। मैं ये कह रहा था कि एक जमाने में बीएसपी के भी तमाम राज्यों में विधायक और सांसद चुन के आते थे, और लगता था बीएसपी नेशनल पार्टी बन जाएगी, बन भी गई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, 4-2-3 राजस्थान में, 6-6-8-8 उसके भी आए हैं चुन करके, बिहार तक भी आए हैं। वैसे तो वो संतोख बैन के बेटे इस बार एनसीपी से टिकट नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं पोरबंदर, और वो जीत रहे हैं, और वो जीतते ही हैं वहाँ के सबसे बड़े दबंग के तौर पर। अपराध का जो 90 के दशक में बोलबाला था पूरे पोरबंदर में, उनकी पहचान उनकी माँ थी, न जाने कितनी हत्याओं का आरोप उनकी माँ पर, उसके बाद से उनके बेटे भी अब पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। इस बार वो एनसीपी ने टिकट नहीं दिया, तो समाजवादी पार्टी से वो टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव के। जल्दी से गौरव भाटिया जी, आपका रिएक्शन इस पे, क्योंकि 2022 के स्क्रिप्ट से अगर हम माने कि ये ट्रेलर है 24 के लिए, क्या आम आदमी पार्टी देश भर में भी चुनाव को त्रिकोणीय कर सकती है? यहाँ पर तो आपको फायदा ही दिख रहा है उसका। अंजना जी देखिए, भारत में जो जनता है वो उसको आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और कर्मठता से अपना काम करता है, जनता की सेवा करता है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी मेहनत करने में सबसे आगे है। जैसे ही गुजरात में पोलिंग हुई उसके बाद हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई,
आगे जो चुनाव आएंगे उसमें हम लोग कैसे मजबूती से जनता से संवाद करेंगे। क्या ये सही नहीं है कि गुजरात में हमें पहले से अंदेशा था कि हमारी सरकार बनेगी और इतिहास रचेगा, सातवीं बार लगातार चुनाव जीतना, मैं समझता हूं ये अपने आप में इतिहास बनाना है। केवल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने करके दिखाया था, भाजपा कर रही है। ये क्यों संभव है? ये इसलिए संभव है अंजना जी कि हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, विकास करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार भी किसी ने उजागर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, इसी साल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, याद करिए, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर आएगी, वहां पे हमें 3,80,00,000 वोट मिले, सरकार हमारी बनी दोबारा आई, इनको मिले 0.38%। उत्तराखंड में भी ये हमारे सामने आए, सरकार हमारी थी, हमसे मुकाबला था, इनके आए 3% वोट, ये हार गए। गोवा में 6.77%, सरकार हमारी थी। ये क्या दर्शाता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और जनता का विश्वास भाजपा में होता है तो आप जो है वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाती। और अगर कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए कि इनकी जमीन खिसक रही है और विपक्ष की जगह दूसरी पार्टी ले रही है। एक टिप्पणी और कर दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था नेशनल डिजास्टर अलायंस, एक बस एक बात और, थोड़ी देर के लिए लगा सर कि एमसीडी पे कमेंट्री कर रहे हैं आप, नेशनल डिजास्टर अलायंस, थोड़ी देर के लिए लगा सर एमसीडी, दिल्ली डिजास्टर अलायंस ये होता है जो मेरे हाथ में, मैं आऊंगा एमसीडी पे भी आऊंगा बिल्कुल अंजना जी। ये देखिए नेशनल डिजास्टर अलायंस, फुल स्क्रीन दिखा, जितने हाथ ऊपर है ना ये सब इकट्ठे हुए थे, मिल बैठे थे जुगनू सारे, ऐलान ये था कि आओ सूरज को हटाया जाए मोदी जी को। क्या हुआ 2019 में हमने देखा, इसमें आपको 5-6 भ्रष्टाचार के आरोप में जो लिप्त हैं वो नेता दिखाई दे जाएंगे। राहुल गांधी बेल पे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमाम ऐसे नेता हैं। ये दर्शाता है कि अगर 0+0+0 मिलेगा तो 1 नहीं बनेगा, और जब 1+1+1 मिलेगा तो 3 बनेगा। इसी तरह से आप देखेंगे चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, और एमसीडी में भी हम ही सरकार बनाएंगे, कमल खिलेगा, ये ईमानदारी और मेहनत का कमल। चलिए ठीक है, अखिलेश जी एक जवाब दे दीजिए, उसके संजीव जी आ रहे हो, आप लोगों को भी पूछना तो इशारा कीजिएगा। इनका गणित भी कमजोर है, बिना शून्य के आपके गणित पे अगर बहस कर लें तो बिना शून्य के आप 9 से आगे नहीं जा सकते जनाब, तो जानते हैं कि नहीं। ये तो मैंने आपका गणित का ज्ञान बढ़ाने के लिए कहा, तो ये जान लीजिए। तीन जगह चुनाव है, शून्य, एक चीज जान लीजिए, प्लीज बीच में नहीं, आपके ज्ञान का, आपके गणित के ज्ञान पर थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला। हाँ बस जी अरे तो पता है, तीन जगह पे सरकार बनेगी, 6 साल में 6 होता है। प्लीज अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके गणित का ज्ञान मैंने दुरुस्त किया कि जनता को थोड़ा सा इसे गलतफहमी में ना रहे, इसलिए मैंने बताया। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, तीन मुख्यमंत्री 6 साल में बदल दिए, टिकट काट दिए, बताते हैं कि वो सब फेल थे और अपने ऊपर ला करके चुनाव को, और क्या क्या कह कह के पाकिस्तान भी आ गया, क्या क्या नहीं आया उसमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मनमाफिक डेट भी आ गए, सब कुछ आ गए, तो ये दिख रहा है कि आप क्या झूठ का सरदार, विजन तो है नहीं, सिर्फ टेलीविजन वाले हैं आप, आपके पास सिर्फ एक टेलीविजन, झूठ का सरदार, कांग्रेस के पास एक विजन है, ये परेशानी का सबब बता रहा है आपको, ये नहीं वो राहुल गांधी, टेलीविजन वाला ही रहेगा, टेलीविजन वाला ही रहेगा, विजन वाला ही रहेगा, वो टेलीविजन बहुत दिन तक नहीं चलेगा, विजन वाला या स्थाई है वही चलेगा, नहीं हाँ तो लेकिन विजन के साथ बैठते हैं, सिर्फ टेलीविजन पे नहीं बैठते हैं, एक विजन के साथ बैठते हैं, विजन वाले हैं, दोनों में फर्क ये है। और देखिए जना जी एक बात बता दूं मैं आपको, अब ये चुनाव के बाद से 2024 तक जो भी आएगा टीवी पे, चाहे वो एक्सपर्ट आए, चाहे रिपोर्टर आए, चाहे जो भी आए, वो अब वो ये बताएगा कि 2024 में कोई लड़ाई नहीं है,
क्योंकि लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं, और वही हाल वोटरों का है, वही हाल चैनलों पे एक्सपर्ट्स की आने वालों का है। वो जो अगर किसी ने सही बात बता दी तो दोबारा वो आएगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं, हम ऐसा इनकी किसी को व्यक्तिगत मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट दीजिए। आप साल भर यही चलेगा, क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं है। एक माहौल बनाया जाएगा कि मोदी जी का आगे कोई है नहीं, रोज बताया जाएगा कि मोदी जी का आगे कोई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना, इन 10 राज्यों में जहाँ बीजेपी फुल है वहाँ घटना ही घटना है, वहाँ तो घटना ही घटना है, खेला खत्म। सर्टिफिकेट है सर, इस पे मुहर किसकी होगी? फला नाम डरा हुआ, मतलब संजय कुमार जी तो सीएसडीएस चलाते हैं, उन्होंने ही ये बात कही। आप कह रहे हैं कि सारे आएंगे एक्सपर्ट्स ये बताने के लिए, तो जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं इस पे मुहर किसकी है? ये ज्योतिषी हैं क्या? लोकल अखिलेश प्रताप सिंह जी। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, आधार दे रहा हूँ, मैं भी आधार दे रहा हूँ ना, इन 10-15 राज्यों में जहाँ बीजेपी पूरी की पूरी सांसद जीते हुए, क्या वहाँ रिपीट कर जाएगी? मध्य प्रदेश में रिपीट कर देगी उतनी सीटें, राजस्थान में बीजेपी उतनी सीटें रिपीट कर देगी, महाराष्ट्र में उतनी सीटें। 2014 और 2019 के बीच गुजरात में ठीक है, एक बार आपने बोला उन पे आरोप लगाया, तब जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब कह रहा हूं मेरी बात होने दीजिए, जवाब सुन लीजिए। अखिलेश जी, मैं जवाब लूंगी आपसे, सुनिए। नहीं नहीं, आपने सीधा एक सवाल बोला ना, पूछ रहा हूं संजय जी से। नहीं तो मेरा फिर संजय जी से सवाल है, मैंने संजय जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब संजय जी से मेरा सवाल है। क्या संजय जी महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बीजेपी जितनी की जितनी सीटें पाई है, छत्तीसगढ़, झारखंड में, क्या वो सारी सीटें रिटेन करेगी? आप बस इतना बता दें हाँ कि ना, क्योंकि मैक्सिमम पे हैं वो। अब मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जवाब मेरा ये है, 2000 पूरा जवाब सुन लीजिए अखिलेश जी, लेकिन 2014 और 2019 के पहले भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, राजस्थान के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात के बारे में, और हम सब ऐसा मानते थे और कई लोग मानते थे कि बीजेपी टॉप पर पहुंची भी और अपना प्रदर्शन रिपीट नहीं कर सकती। बीजेपी ने रिपीट किया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि रिपीट कर सकती कि नहीं कर सकती। कई राज्यों में वो रिपीट करेगी, कई राज्यों में रिपीट नहीं करेगी। जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बीजेपी, सुनिए संजय जी, अखिलेश जी उनके जा चुके हैं, अखिलेश जी सुनिए मेरी बात हो जाने दीजिए, बात अब ये बड़ी गंभीर बात हो रही है, मेरी बात आने दीजिए। सारे अलायंस पार्टनर बीजेपी को जाते हैं, आपने सुना तो नहीं, इनकी अटकल सही है, मेरी अटकल गलत है। नहीं मैं कह रहा हूँ अंजना जी, इनकी अटकल सही है, क्या अगर संक्षिप्त में मेरी बात हो जाने दीजिए, इनकी अटकल सही है, मेरी अटकल गलत है, क्या प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, इनकी अटकल सही है, ये मोदी जी का सत्ता में अवला दे वो अटकल सही है। अब मेरा अखिलेश जी, ये नहीं अखिलेश जी, आपकी सारी बातें सही है, बस एक बात बता दीजिए, 2024 के संदर्भ में, 2019 में कांग्रेस पार्टी को 17 राज्यों में जीरो सीटें मिली थी, अब आपकी कितनी सीटें होंगी? अब कांग्रेस की बात करें, छोड़ दीजिए बीजेपी को, वो यदि वो पीछे जा रही है तो जाने दीजिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी वो बता दीजिए। अब जवाब लीजिए जनाब, अब जीरो से कम तो हम जा नहीं सकते, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना कितना बढ़ना है, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपने अच्छा सवाल किया। अब जीरो से कम तो मैं होऊंगा नहीं, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, और जिन राज्यों को मैंने गिनाया उन राज्यों में 100 सीटें बीजेपी की कम होंगी। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि गुस्सा नहीं, आज गुस्सा नहीं गौरव जी, मैं गुस्सा नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं कभी गुस्साता नहीं हूँ अंजना जी, आप गुस्साती हैं अभी, मगर आप पे, आप में मैं कोई टिप्पणी कर दूं तो आप जल्दी से गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से गौरव जी 2 लाइन चुकी टाइम गौरव जी। कांग्रेस को बढ़ना नहीं है, आपस में लड़ना है और खत्म हो जाना। चलिए बस समय इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे कल आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे तेज नतीजे न सिर्फ एमसीडी के बल्कि गुजरात और हिमाचल के हम आपको बताएंगे 7 और 8 तारीख को, आप देखते रहिए आज का।
आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।